हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरस्वती कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का हिस्ट्री का सब्जेक्ट, जिसमें अध्याय दो हम कर रहे हैं, राजा किसान और नगर। इस वीडियो सीरीज में पार्ट वन आ चुका है, उसे देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आज हम पार्ट दो शुरू करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं एक कदम शिक्षा की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम हिस्ट्री के वीडियो सीरीज में अध्याय दो के बारे में पढ़ रहे हैं, राजा किसान और नगर। अब तक हम इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर देख चुके हैं वैदिक काल, ब्राह्मी खरोष्ठी लिपि के बारे में हमने अच्छे से अध्ययन किया, 16 महाजनपदों के बारे में देखा, और सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य मतलब महाजनपद हमने मगध के बारे में भी पढ़ा। आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में इस वीडियो सीरीज में शुरू करने वाले हैं। ये वीडियो सीरीज का दूसरा पार्ट है, चलिए शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की जब हम बात करते हैं, तो मौर्य साम्राज्य की शुरुआत होती है चंद्रगुप्त मौर्य से। इनका जन्म 340 ईसा पूर्व पटना के बिहार जिले में हुआ था। भारत के प्रथम हिंदू सम्राट और सबसे महानतम सम्राटों में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ये अपने साम्राज्य की कभी अपने गुरु के बिना स्थापना नहीं कर पाते, इसलिए मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उनके गुरु का नाम जरूर लिया जाता है, जिनका नाम था विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य बोलिए उन्हें। शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का आरंभ मगध के विकास के साथ शुरू हुआ। 321 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। इनका साम्राज्य पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है, कैसे पता लगता है कि मौर्य साम्राज्य सबसे महानतम साम्राज्यों में से एक था? मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी का पहला स्रोत है मूर्तिकला। इस काल में बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई जो मौर्य साम्राज्य के जानकारी के स्रोत माने जाते हैं। समकालीन रूप से और बात करें तो मौर्य साम्राज्य में एक यूनानी राजदूत था जिसका नाम था मेगास्थनीस। उसने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी है जो मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक विचारधाराओं को बताती है। साथ ही साथ उनके गुरु चाणक्य ने एक अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी है। ये एक राजनीतिक पुस्तक थी जिसके अंदर मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद मौर्य साम्राज्य के और भी कुछ स्रोत हैं, जैसे जैन और बौद्ध ग्रंथ। चंद्रगुप्त मौर्य एक जैनी हो गए थे अंत में, और बौद्ध धर्म तो आपको पता ही है, अशोक एक महान बुद्धिस्ट था। तो इस तरीके से मौर्य साम्राज्य के बारे में जैन और बौद्ध ग्रंथों से भी पता लगता है। अशोक ने अपने काल में बहुत सारे अभिलेख लिखवाए थे, स्तंभ लेख, शिलालेख लिखवाए, उससे भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। ये प्राकृतिक अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ लेख आज तक हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में अनेकों जानकारी क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं कि मौर्य साम्राज्य के हमें जानकारी के स्रोत पता लगा कि मौर्य साम्राज्य कैसे विकसित हुआ। अब मौर्य साम्राज्य के हम प्रशासन की बात करते हैं कि इतना बड़ा साम्राज्य जो था उसका प्रशासन कैसे कैसे विकसित था। मैंने तो आपको पहले ही बताया कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में काफ़ी अच्छे से बताया है। मौर्य साम्राज्य के प्रांत के 5 प्रमुख केंद्र थे जिनके आधार पर उनका प्रांत अलग अलग रूपों में बटा हुआ था। सबसे पहला राजधानी पाटलिपुत्र, जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था। उसके बाद प्रांतीय क्षेत्र थे 4, तक्षशिला जो आपका पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, उज्जैनी मध्य प्रदेश में, तौसिल दक्षिण भारत में, और स्वर्णगिरी भी दक्षिण भारत में, तौसिल उड़ीसा के पास है। तो इस तरीके से 5 प्रमुख केंद्र थे जो अलग अलग क्षेत्रों को क्या करते थे, नियंत्रण करते थे। इतने बड़े साम्राज्य के लिए साम्राज्य को प्रशासन में बांटना जरूरी था। हर जगह को, हर चीज़ों को, हर रूपरेखाओं को अलग अलग रूपों में बांटना जरूरी था, जो नदियों से, भूमि से और हर प्रकार के आवागमन अच्छे से किया जा सके। इतने बड़े साम्राज्य और प्रशासन को चलाने के लिए मौर्यों के पास विशाल सेना भी थी। मेगास्थनीस ने अपनी पुस्तक के अंदर मौर्य साम्राज्य की सेना को काफ़ी अच्छे से विस्तृत बताया है। इंडिका के अंदर बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य के पास सेना की समितियां थी। एक समिति के अंदर 6 उप समितियां हुआ करती थी। इन 6 उप समितियों के आधार पर सेना अलग अलग रूपरेखाओं के अनुसार बटी हुई थी। सबसे पहली नौसेना थी जो पानी में लड़ती थी और नौकाओं पे समुद्र के अंदर जो लड़ाई करने के योग्य थी। दूसरी सेना सबसे महत्वपूर्ण थी, ये खान पान, रख रखाव, मरे हुए लोगों को ठिकाने लगाना, इलाज करना घायलों का, इन सब कार्य को करती थी। पैदल सैनिक वो थे जो सैन्य व्यवस्था का संचालन वगैरह करते थे, यानी एक तरीके से जो पैदल सैनिक होते थे। इनके पास 600,000 पैदल सैनिक था, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। अश्वरोही सैनिक, घोड़े वाली सेना, इसके अंदर करीब कहा जाता है कि 30,000 घोड़े थे इनके पास। रथरोही सेना, इनके पास करीब 3,000 रथ थे जो रथों पर सेना युद्ध लड़ती थी। हाथी, ये सेना की सबसे महत्वपूर्ण अंग था और कहा जाता है कि सबसे ताकतवर अंग था। इनके मौर्यों के पास
पता लगता है कि 9000 हाथी करीब पाए गए थे। इस तरीके से मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के साथ साथ उनकी विशाल सेना पद्धति भी उनके साम्राज्य को अद्भुत बनाती है। अब आता है मौर्य साम्राज्य के अंदर धर्म प्रचार। मौर्य साम्राज्य के तीन प्रमुख शासक थे, जैसा कि मैं आपको पहले बता दूं। सबसे पहला आपको पता ही है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर आता है उसका बेटा बिंदुसार, और उसके बाद उसका बेटा अशोक। मौर्य साम्राज्य का अशोक सबसे महानतम राजा माना जाता है और उसे सम्राट भी बोला जाता है। अशोक ने कलिंग युद्ध यानी उड़ीसा, जो आज का आधुनिक उड़ीसा है उस समय कलिंग कहा जाता था, उस युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया, और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसने धर्म प्रचार शुरू कर दिए। उस युद्ध के अंदर ज़्यादा लोग मारे गए थे, बहुत से लोग घायल हुए, तो वो देखकर उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने अहिंसकवादी धर्म अपनाया और उसने धम्मधारी घोष अपना लिया था। धर्म का प्रचार, धर्म की चीज़ें संसार में, बौद्ध धर्म को फैलाना, यही संसार की अच्छाई, अच्छे बने रहना और अच्छाइयों को विकसित करना, यही उसका लक्ष्य बन चुका था। धर्म से क्या अभिप्राय है? धर्म अशोक ने अपनाया था, ये धर्म का और धर्म का माध्यम था, जिसमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदार व्यवहार, दासों के प्रति भी उदार व्यवहार, और धार्मिक परंपराओं का आदर करना। अशोक ने कहा जाता है कि अनेकों धर्म प्रचार करवाए। उसने धर्म महामातों को नियुक्त किया, जो धर्म का प्रचार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और लगातार धर्म का प्रचार करते थे। स्वामी, दास, गरीब, धनी, वृद्ध, युवक, संसार में सभी व्यक्ति एक समान हैं और सभी लोगों को सामान्य स्तर पर दर्जा मिलना चाहिए। यहाँ तक कि धर्म प्रचार के लिए उसने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संगमित्रा को भी श्रीलंका भेज दिया। कहा जाता है कि मतलब अशोक के धर्म की बहुत अच्छी विशेषताएं थी। इसकी धर्म की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले नैतिक जीवन के व्यतीत करना यानी नैतिक जीवन व्यतीत करना, नैतिकता के साथ जीवन व्यवस्था को विकसित करना। इस धर्म के अनुसार व्यक्ति अच्छे व्यवहार सबसे करे और खुद भी अच्छी विचार रखे। वासनाओं पर नियंत्रण करना, बाहरी आडंबर और बाहरी मतलब इच्छाओं को त्यागना और अपने प्रति अपनी चीज़ों का विकास करना। दूसरा, धर्म का सम्मान करना, दूसरे धर्मों का भी सम्मान करना और किसी भी धर्म के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। साथ ही साथ कहा जाता है कि किसी भी जीव जंतु को क्षति ना पहुंचाना और सभी जीव जंतुओं को एक समान मानना। साथ ही साथ सबके प्रति दयालु और उदार व्यवहार करना, किसी कोई भी हो, गुरुजन हो, चाहे छोटे हों, बड़े हों, चाहे दास हो, सबके प्रति उदार व्यवहार करना, ये भी इसका क्या था, लक्ष्य था। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो मौर्य साम्राज्य में अशोक ऐसा व्यक्ति था जिसने साम्राज्य को एक नई निष्ठा और नया तत्व क्या किया, प्रदान किया। इतिहासकारों के अनुसार या सभी लोगों के अनुसार मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण है। 19वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने जब मौर्य साम्राज्य के बारे में पता लगाया, तब पता लगा कि मौर्य साम्राज्य अत्यंत महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता है। इसकी मूर्तिकला, इसके अभिलेख, इसका धर्म, 150 सालों तक जो इसका शासन था वो भारतीय इतिहास में अद्भुत माना जाता है। धन्यवाद, बाकी अगली वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमने हिस्ट्री की वीडियो सीरीज में दूसरे लेसन का पार्ट 2 भी कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुंच सके। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, कीप लर्निंग और अपना ख्याल रखें।